तो डेटा की पेज सेटिंग हमारा अगला टॉपिक है। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा ये डेटा है। अब इस डेटा को एक तो थीम वगैरह होता है, इसमें अपना थीम चेंज कर सकते हैं, इससे इसकी प्रिंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आता है मार्जिन। जब प्रिंट करते, जैसे आप कंट्रोल पी आपने किया तो यहाँ जो दिख रहा है, तो जो मार्जिन मतलब कि जो चारों तरफ से जो ब्लैंक स्पेस है वो कितना मार्जिन होना चाहिए। तो ये मार्जिन आप यहाँ से डिस कर सकते हैं, नॉर्मल हो, विड हो, नैरो हो, नैरो में कम होता है, कम मार्जिन होता है, या कस्टम मार्जिन में करें। जैसे लेटर हेड वगैरह है तो आप टॉप से लेटर हेड के इंचेस के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे दे दीजिए, उतना गैप छोड़ देगा, यहाँ पे अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर ओरिएंटेशन आता है कि आप पेपर को पोर्ट्रेट लगाते हैं या लैंडस्केप लगाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। पेपर की साइज क्या है वो पेपर के साइज यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंट एरिया। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ बस इतना सिलेक्टेड, इतना ही एरिया, हमेशा जब भी प्रिंट मारूँ तो मेरा एरिया प्रिंट हो, इसके बाहर का जो फालतू एरिया है वो प्रिंट ना हो, या फिर नीचे का डेटा प्रिंट ना हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट प्रिंट एरिया। अब मैं प्रिंट कमांड देता हूँ तो देखिए मेरा इतना एरिया आएगा, बाकी डेटा प्रिंट नहीं आएगा, यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि मेरा टॉप 10 तक जो है वो एक पेज पे आए, उसके बाद बाकी जो है वो अगले पेज पे आ जाए। तो इसको क्लिक किया और यहाँ इंसर्ट पेज ब्रेक कर देते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ से एक पेज ब्रेक हो गई, तो पहले पेज पे आपका टॉप 10 आएगा और दूसरे पेज पे जो है बाकी डेटा आएगी आपकी। देखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से विजुअल के लिए होता है और प्रिंट में नहीं होता है। जैसे कोई पिक्चर्स वगैरह या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप बैकग्राउंड में डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं ये डालना चाहता हूँ, बट प्रिंट में नहीं आएगा। आप चाहे प्रिंट में आए तो प्रिंट में नहीं आएगा, जस्ट विजुअल है आपके लिए। डिलीट कर दीजिए यहाँ से प्रिंट टाइटल। अब जैसे कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो हेडिंग है आईडी, डेट, नेम, सिटी, एरिया, क्वांटिटी, एमआरपी, ये हमारा जस्ट फर्स्ट पेज पे आ रहा है। नेक्स्ट पेज जो है हमारा, नेक्स्ट पेज पे ये आपका नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा हेडिंग जो है हर पेज पे आए, तो प्रिंट टाइटल में आइए और यहाँ से आप जो अपना रो रिपीटेड टॉप पे आइए, क्लिक कर दीजिए। ग्रिड लाइन प्रिंट करना चाहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, डार्क क्वालिटी करना चाहते हैं, कॉलम की जो हीडर है वो भी प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। डाउन ओवर करना है, ओवर देन डाउन करना है, तो इसका भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब देखिए हर पेज पे आपका टाइटल आएगा। ओके, ये समझ में आ गया आपको। कभी कभी क्या होता है कि हमारा हेडिंग काफ़ी बड़ा होता है, हम चाहते हैं कि मेरा हेडिंग एक पेज पे ही प्रिंट हो जाए, तो यहाँ ऑटोमेटिक को चेंज कीजिए कि हाँ विड्थ जो है वन पेज में आ जाए, तो अपने आप छोटा करके वो वन पेज में कर देगा, और यहाँ आपका ऑटोमेटिक कर देंगे, हाइट भी उसी हिसाब से कर सकते हैं, तो स्केलिंग थोड़ा सा घट जाता है, मतलब पिक्चर साइज छोटा हो जाता है प्रिंट का। ओके सर,